press the bell icon on the YouTube app and सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। हमारी फॉरेन पॉलिसी से लेकर के हमारा डिफेंस, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि हम जब चाहें आपके ऊपर हम धावा बोल सकते हैं। हम जिस वक्त चाहें आपके ऊपर धावा बोल सकते हैं। पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है, इंडिया की। हमारे तिरंगे झंडे को लपेट करके अपनी जान बचाई थी और वहां से निकलने के लिए हमारे भारत ने उनको मदद की थी और उन्होंने भारत का शुक्रिया अदा किया था। लेकिन तब भी बेशरम आपके पाकिस्तान की सरकार ने लिखित रूप में हमें शुक्रिया अदा नहीं किया। इतना बेशरम है आपका आपका पाकिस्तान का सरकार। तो भगवान राम को अगर उनके धर्म के लोग मान रहे हैं और उस मिरेकल को मान रहे हैं तो मानने दो ना। अगर चांद के दो टुकड़े हमारे अल कुरान में हो सकते हैं तो हनुमान जी सूरज क्यों नहीं निगल सकते हैं? निगल ही सकते हैं। उनके धर्म के हिसाब से उनका मिरेकल हो सकता है, हमारे मजहब के हिसाब से हमारा मिरेकल हो सकता है। सुबह उठते हैं ये औरत को गाली देते हैं, दोपहर में ठूस लेते हैं और उसके बाद फिर औरत को गाली देना और औरत का शरीर, उसके बाद शाम में बाहर निकलते हैं औरत को ताड़ते हैं, औरत का शरीर के बारे में बात करते हैं, रात में सोते हैं पॉर्न मूवी देखते हैं और औरत के शरीर के बारे में सोच सोच करके सो जाते हैं। यही मुसलमान मर्दों का काम है। इसके अलावा भैया 1450 साल में एक सुई नहीं बना पाया है, आज तक अपने साइज का पजामा नहीं पहनता है, कभी कोई आर्ट और कल्चर से वाबस्तगी नहीं है। खाली औरत के शरीर से में जो मजा इनको मिलता है वो मजा इनके दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। कैसे 14 साल के बच्चे के साथ पजामा खोल करके हाफिज ने, मौलवी ने मस्जिद के अंदर अनल सेक्स कर डाला? तो भैया आप पढ़ा क्या रहे हो, आप समझा क्या रहे हो? आप दीनी तालीम तो दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर ये अश्लीलता का नंगा नाच क्यों सिखा रहे हो? वक्फ बोर्ड से भीख का पैसा उठाते हैं, लूटते हैं, उसके बाद फिर लोगों को बेवकूफ बना करके हलाल सर्टिफिकेशन से पैसा कमाते हैं, जाली धंधा करते हैं, सूद पे पैसा लगाते हैं, उसके बाद फिर मॉडर्न जजिया उठाते हैं, मदरसे में जो चंदा आता है, जो एड आता है वो बच्चों के लिए आता है, बच्चे जो है वो बासी चावल खाते हैं और कंबल में सोते भी हैं, वही कंबल ओढ़ते भी हैं, पर जो मौलवी और इमाम होता है वो बिजनेस क्लास में ट्रेवल करता है, वो रेंज रोवर पे चढ़ता है। ये भारत के मुसलमान जो लंबी लंबी दाढ़ियों में बैठे हैं ये हज उमरा हर साल करते हैं, लेकिन मदरसे के बच्चों को जाकर के आप देखिएगा तो आंख से आंसू गिर जाए। पहले तो बात करेंगे किर्गिस्तान के अंदर, कहा जाता है कि पाकिस्तानियों ने लड़की को छेड़ा और कुछ इसमें इजिप्ट के लोग भी शामिल थे और फिर वो जो है लड़ाई लोकल्स में तब्दील होगी। अब इंडियंस भी भुगत रहे हैं, पाकिस्तानी भी और जो है बांग्लादेशी भी। तो क्या अपडेट है आपके पास, ये क्या सीन है, क्या मामला है और किस तरह से आप देख रहे हैं सब चीजों को? चलो सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगी कि मेरी आवाज आज थोड़ी सी खराब है, क्योंकि बहुत ज्यादा भाषणबाजी करने के बाद मेरी आवाज थोड़ी मर्दों जैसी हो गई है। मैं माफी चाहूंगी, व्यूअर्स मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे और पकड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा है शैला कि मैं सुबह से ट्विटर एक्स को मैं फॉलो करती हूँ, बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, और इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ और काफी एक्टिव रहती हूँ मैं। तो मैं कंटिन्यू मैं देख रही हूँ इस न्यूज को, पर मेरी निगाह पड़ी हुई है और जहां तक मैंने इस न्यूज को बारीकियों से देखा है, मैंने देखा किर्गिस्तान में जो आपके पाकिस्तानी लफंदर मदरसा छाप जो गए हुए थे वो कोई डिग्री विग्री लेने के लिए नहीं गए हुए थे, वहां पर भी उन्होंने जाकर के वही अश्लीलता का नंगा नाच किया है जो वो अबू धाबी में करते हैं, जो वो दुबई में करते हैं, जो वो कनाडा में करते हैं, जो वो डच में जाकर के करने की कोशिश करते थे, जो वो भारत में अगर आ जाते हैं तो वहां करने की कोशिश करते हैं, तो वही किया था उन्होंने। और वहां पर उन्होंने मासूम बच्चियों को अश्लील हरकतों से छेड़ा था, उनके साथ अश्लीलता का नंगा नाच करने की ख्वाहिशात उन्होंने जाहिर की थी। और उसके बाद जो किर्गिस्तान के जो रेसिडेंट है, जो वहां के रहने वाले हैं, जाहिर सी बात है कि वो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हमारे यहाँ भारत में नासिर खान बलात्कार करता है तो भले ही मौलवी मुल्ला और मुफ्ती और खारी उसको जनाब नासिर खान बोल सकता है, पर मैं तो बलात्कार ही बोलूंगी। और देश के जितने भी युवा हैं 82.7% उसको बलात्कारी ही बोलेंगे कि नासिर खान एक बलात्कारी है, उसने अपने भाई के साथ बलात्कार किया। तो उसी तरीके से किर्गिस्तान के जितने भी रेसिडेंट हैं, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, जो उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लोग हैं, उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया। आप किसी के जमीन पर जाकर के वहां की बहू बेटियों को आप छेड़िएगा या उनको आप नंगा करने की कोशिश कीजिएगा, ये तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। देखिए पाकिस्तान इस्लामिक देश है, पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉर्न मूवीज देखी जाती है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बहू बेटियां बेची जाती हैं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हनी ट्रैप के माध्यम से बहू बेटियां भेजी जाती हैं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोठा और चकला चलता है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बहू बेटियों को छेड़ा जाता है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आप जैसी युवा यूट्यूबर्स को भी दुपट्टा उड़ाने की कोशिश की जाती है और शरीर को टच करने की कोशिश की जाती है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता देती हूँ कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है। अब आप भी खुश हो गई होंगी कि किस चीज के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक, मैं खुश नहीं हूँ, कोई बुरी चीज ही हुई होगी। बुरी ही चीज है, पाकिस्तानी मदरसा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है और 1 मिलियन हाफिज बनाया है, 1 मिलियन। लेकिन पूरी दुनिया में कभी भी या पूरे एशिया में कोई भी एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ा हुआ लड़का टॉप नहीं किया है या बेटी टॉप नहीं की है। मदरसा में 1 मिलियन हाफिज बनाया है आपने। ये देखिए आपके पाकिस्तान की ही न्यूज है भाई, ये आपके पाकिस्तान की ही न्यूज है, ये मेरी न्यूज नहीं है, ये वहीं से मुझे तो गुनाह होना ही चाहिए ना। हाफिज हैं तो मतलब ये कि अगर चले अच्छी बात है, हम मुसलमान हैं, हम तो इस चीज को बड़ा अच्छा समझते हैं। नहीं नहीं, अच्छी बात कैसे, आपके यहाँ तो मस्जिद के अंदर रमजान में अनल सेक्स होता है, आपके यहाँ तो मस्जिद के अंदर मौलवी साहब बच्चे का पजामा खोल करके पिछाड़ में डाल देते हैं। भाई मेरा तो मुंह बहुत खराब है, मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ, हजम होता है तो होए, नहीं होता है तो फुट लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई रमजान में तो शैतान जंजीरों में बंद होता है, फिर ये हाफिज बन करके शैतान आया कहाँ से, जंजीर खोला कैसे, ताले की चाबी मिली कैसे, रमजान जैसे मुबारक महीने में कैसे 14 साल के बच्चे के साथ पजामा खोल करके हाफिज ने मौलवी ने मस्जिद के अंदर अनल सेक्स कर डाला। तो भैया आप पढ़ा क्या रहे हो, आप समझा क्या रहे हो, आप दीनी तालीम तो दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर ये अश्लीलता का नंगा नाच क्यों सिखा रहे हो, आप ये ठरकबाजियां क्यों सिखा रहे हो, आप ठरकबाजी कर क्यों रहे हो, ये भी तो समझने की जरूरत है। आखिर ऐसी क्या बात है कि आज पाकिस्तान की महिलाएं परेशान होकर के रोड पर आ गई है प्रदर्शन करने के लिए, आज पाकिस्तान की माँ बहने जो है वो अपने बच्चे और छोटे भाइयों के लिए उनकी आवाज बनने की कोशिश करने के लिए ऐसे ऐसे मुल्लाओं का विरोध कर रही है। पाकिस्तान तो इस्लामिक देश है ना भाई, तो इस्लामिक देश में मस्जिद के अंदर छोटे छोटे बच्चों का नाड़ा खोल करके अनल सेक्स करने की इजाजत क्या अल-कुरान ने दिया है? पाकिस्तान के मर्द इतनी गंदी गंदी गालियां लिखते हैं, आपको भी बहुत लिखते होंगे, मुझे भी लिखते हैं, तो क्या ये गंदी गंदी गालियां भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमानों को सुन्नत रसूल में दिया गया है क्या? देखिए अब वक्त आ चुका है शैला, किर्गिस्तान हो, दुबई हो, अबू धाबी हो, अरब हो, भारत हो, तुर्किस्तान हो या कोई भी देश हो, ये अश्लीलता और ये बदतमीजी और ये बेहूदगी मुसलमान मर्दों का कोई भी बर्दाश्त करने के लिए अब तैयार नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। हमारा इस्लाम क्या बोलता है कि जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है, ये हमारा इस्लाम बोलता है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी कि अगर कोई जुल्म सह रहा है और सहता चला जा रहा है और अपनी आवाज नहीं ऊंची कर रहा है तो वो ज्यादा गुनाहगार है जुल्म करने वाले से। तो मुझे लग रहा है कि मुसलमान लफंदरों का, लुंगी छापों का, मदरसा छापों का, ये बिना मूंछ के दाढ़ी वालों का, ये जालीदार टोपी वालों का जुल्म अब बे इंतहा बढ़ चुका है। इसीलिए हर देश में, हर विदेश में, हर सरजमीन पर अब लोग ऐसे ऐसे लफंदरों और अश्लीलता वाले लोगों को और बेशरम बेहूदे लोगों का विरोध करने के लिए अब रोड पर उतर। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे भारत की बेटी
नाजिया लाइक खान जी ने ना सिर्फ इन शांति दूतों को एक्सपोज किया बल्कि ये भी बताया कि मस्जिद में ये मौलवी मुल्ला बच्चों के साथ क्या करते हैं, और ना सिर्फ ये बताया बल्कि किर्गिस्तान में जो पाकिस्तानियों के साथ हुआ हमने देखा कि कैसे कुछ इजिप्ट के लोगों ने किर्गिस्तान के लोकल लड़कियों को छेड़ा, उसके बाद वहां पे दंगे भड़क गए और किर्गिस्तान के लोगों ने ना सिर्फ इजिप्ट वालों को बल्कि पाकिस्तानियों को भी चुन के पकड़ा और उनकी जम के धुनाई की, और पाकिस्तानी अपने आप को बचाते हुए फिर रहे हैं और हर जगह अपने आप को भारतीय बता रहे हैं ताकि उनकी जान बच सके। और हमने पहले भी देखा है कि पाकिस्तानी हमेशा ऐसे करते हैं, चाहे रशिया यूक्रेन की वॉर हो या दुनिया में कहीं भी ऐसे दंगे हो रहे हो, जब बात आती है इनको मार पड़ने की तो ये अपने आप को भारतीय बताने लगते हैं। इवन कि आप यूरोप में भी चले जाएं तब भी कोई इनकी बेइज्जती करता है तो ये अपने आपको पाकिस्तानी नहीं बताते, अपने आपको इंडियंस बताते हैं, क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तान की दुनिया भर में कोई इज्जत नहीं है। अगर ये अपने आपको पाकिस्तानी बताएंगे तो लोग इन पे हंसेंगे और इन पे थूकेंगे। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।